भारतीय बौद्ध सभा भिलाई द्वारा सेक्टर 6 अंबेडकर भवन में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव 13 और 14 अप्रैल को 2 दिवसीय आयोजन के माध्यम से मनाया जाएगा। आने वाली 14 अप्रैल को संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जानी है, जिसे लेकर भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के पदाधिकारियों ने अंबेडकर भवन सेक्टर 6 में एक बैठक आहूत की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि विगत 2 वर्षों से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना काल में यह आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार इसका खतरा टल गया है, तो यह आयोजन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष यह आयोजन 2 दिवसीय होगा, जिसमें 13 और 14 अप्रैल को विविध आयोजन शहर भर में किए जाएंगे, जिसमें समाज के मेधावी बच्चों का स्वागत सम्मान के साथ साथ 13 अप्रैल को रात के 12 बजे केक काटकर और आतिशबाजी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तत्पश्चात 14 अप्रैल को महिलाओं द्वारा वाहन रैली के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के अध्यक्ष नरेंद्र खोपड़ागरे ने न्यूज टीम को दी है। 8:30 बजे यहाँ भिलाई नगर की सब पब्लिक इस भवन में ये एक स्थापित होती है। यहाँ भवन परिसर में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात रैली का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। रैली पूजा वंदना, इस बुद्ध विहार में पूजा वंदना के बाद में हम सीधे नीचे रैली के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और एक विशाल और भव्य रैली जो अनेकों झांकियों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन से प्रारंभ होगी। 9:30 बजे रैली यहां से चलेगी और 25 मिलियन चौक होते हुए सीधा सेंट्रल एवेन्यू होते हुए सेक्टर 1 जो चौक है BSNL चौक वहाँ जाएगी। वहाँ पर बाबा साहेब की जो छाया चित्र है वहाँ उस चौक पर लगा हुआ, वहाँ पर माल्यार्पण करेगी, दीप प्रज्वलन करेगी, पूजा वंदना करेगी और उसके पश्चात हमारी रैली आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो पार्क है सेक्टर 1 का, उस पार्क में जाकर वहाँ भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर वहाँ प्रतिमा रखी जाएगी, उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात हमारी रैली वहाँ समाप्त होगी। रैली के मार्ग में अनेक संगठनों द्वारा पेयजल और खाद्य सामग्री और अनेकों प्रकार के स्वल्पाहार के आयोजन किए गए हैं जो जगह जगह आपको दिखाई देंगे। इस बार की जो रैली है भव्यता के साथ में उमंगों भरी और उत्साह भरी होगी रैली। इस वर्ष जब कोविड का खतरा लगभग शून्य हो चुका है, तब सभी धर्म समुदाय और समाज द्वारा भव्य आयोजन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बौद्ध समाज भी अपने आराध्य बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से और भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर रहा है और 2 दिवसीय आयोजन के तहत यह संदेश भी देने का प्रयास कर रहा है, विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।